रामचरितमानस विवादों में है। कारण ये कि बाबा तुलसी ने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कै अधिकारी। देखिए विवाद यदि जिनको करना है वो तो करेंगे ही, वो तो रुकेंगे नहीं, लेकिन जिनको सचमुच में समझना है, जिनको इसी रामचरितमानस के बदौलत चलना है, जिनका यही आस्था है, वो अपनी आस्था को इन फालतू के विवादों में न डगमगाने दें, इसलिए ये वीडियो है। प्रदेश चहुओर चर्चाओं से घिरा हुआ है। कहीं बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा चल रही है, तो कहीं किसी वर्ग में पठान फिल्म की चर्चा चल रही है, तो कहीं कुछ लोग रामचरितमानस को विवादों के घेरे में लाकर खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग रामचरितमानस पे हो रहे विवाद, हो रही बातों की चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर 7। रामचरितमानस विवादों में है। कारण ये कि बाबा तुलसी ने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कै अधिकारी। अब आज के लोगों को इसका अर्थ जो है वो जब पता चलता है तो अनर्थ हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कि बाबा ने ये क्या लिख दिया, बाबा ने तो अपनी इस चौपाई के माध्यम से शूद्रों और नारियों का अपमान कर दिया। ऐसे में ये पहली बार नहीं है कि ये जो चौपाई है, ये पंक्ति विवाद के घेरे में आई है। पहले भी कई बार लोगों के मन में ऐसी बातें आई, लेकिन उसका खंडन कई बार व्यासपीठ के माध्यम से कई साधु संतों ने, कई कथावाचकों ने किया, लेकिन फिर से ये बात चर्चा में आई। और इस बार जब चर्चा में आई तो रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ा गया, रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि दोहा या फिर चौपाई या फिर कोई भी लेख जो पहले लिखे गए हैं उन पर विचार होना जरूरी है, तो विचार तो हो पहले, सम्यक विचार सुनने के लिए आपका जो कान है वो खुला तो रहे। अब तो हमको ये लगता है कि ये जो लोग हैं जो रामचरितमानस को विवादों में डाल दे रहे हैं वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो उन लोगों से बाकी जो लोग हैं वो इफेक्टेड ना हो, इसीलिए बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये प्रयास किया जा रहा है कि इन चीजों का खंडन किया जाए। जिस रूप में बाबा तुलसीदास ने इस चीज को लिखी है उसको उसी रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका प्रयास कई प्लेटफॉर्म से किया गया है और उन सभी प्लेटफॉर्म के जो भी संचालक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और न्यूज सुपर 7 के माध्यम से भी मैं ये प्रयास करूंगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मैं जो शाब्दिक अर्थ है और इसका किस सेंस में लिखा गया है इसको मैं समझाने का देखिए प्रयास करूंगा। बहुत सारी चीजों को मैंने देखा और मैं पढ़ा भी रामचरितमानस को, वहां पर तो चीजें जो हैं वो हैं, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे जो व्यासपीठ के लोग हैं उन लोगों ने भी इन चीजों को समझाया। देखिए जरा समझने का जरूरत है। देखिए विवाद यदि जिनको करना है वो तो करेंगे ही, वो तो रुकेंगे नहीं, लेकिन जिनको सचमुच में समझना है, जिनको इसी रामचरितमानस के बदौलत चलना है, जिनका यही आस्था है, वो अपनी आस्था को इन फालतू के विवादों में न डगमगाने दें, इसलिए ये वीडियो है। देखिए पूरा कंटेक्स्ट समझिए, ये जो पूरी की पूरी चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कै अधिकारी, ये सुंदरकांड में है और वो अंतिम सा दृश्य है जब भगवान पंथ मांग रहे हैं। 3 दिन बीत जाता है और समुद्र जो है वो जलमती समुद्र जो है वो रास्ता नहीं देता है, वो भगवान के सामने भी नहीं आता है, कुछ उपाय भी नहीं बताता है। देखिए जो रामचरितमानस है वो एक प्रबद्ध महाकाव्य है। प्रबद्ध महाकाव्य ऐसे महाकाव्य होते हैं जो कि ड्रामेटिकली लिखे जाते हैं, उनमें एक शुरुआत होती है, मध्य हिस्सा होता है और एक अंत होता है, इसको बोलते हैं प्रबद्ध महाकाव्य। तो इसमें भी हीरो होते हैं, विलन्स होते हैं, तो विलन जो होते हैं उनका काम है गलत सलत बोलना, कुछ भी बोल देना। अब यहाँ पे जो ये लाइन है जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये डायलॉग डिलीवरी के लिए के सेंस से आप देखिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भयबिन हो ही न प्रीत। इसी दोहे के बाद जो चौपाइयां आती हैं उसी में इसका वर्णन है। और भगवान जब धनुष बाण संधान करते हैं
उसी समय जो है वो समुद्र प्रकट होता है और प्रभु से कहता है कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे क्षमह नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल कधरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी प्रभु भल किन्ही जो मोह सिख दिन्ही मर जादा पुनि तुम्हारी किन्ही ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कौन कह रहा है? ये समुद्र कह रहा है भगवान से। ये ना तुलसीदास ने अपना विचार देते हुए उसमें लिखा है और ना ही श्री रामचंद्र जी जो कि त्रेता युग के नायक रहे हैं, ना उन्होंने ये बात कही है। ये बात, ये किसका डायलॉग है? ये तो ये समुद्र का डायलॉग। देखिए फिर से मैं इस चीजों को पढ़ने का प्रयास करूंगा कि प्रभु भल किन्ही जो मोह सिख दिन्ही मर जादा पुनि तुम्हारी किन्ही ढोल गंवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसका अर्थ जरा समझने का प्रयास करेंगे। ढोल, ढोल किसको बोलते हैं? वैसा एक वाद्य यंत्र है जो कि बिना यदि सीखे यदि कोई बजाता है तो एक म्यूजिकल जो साउंड आता है वो नहीं आ पाएगा, वो एक शोर बन जाता है। तो इसलिए ढोल को बजाने के लिए देखिए भाई सीखना जरूरी है। गंवार, उस समय जो गंवार होते थे वो गाँव के लोगों को कहा जाता था। गंवार कोई गाली नहीं है। और उसके बाद आता है कि ढोल गंवार शूद्र, वर्ण व्यवस्था के समय में ये चीजें लिखी गई थी। जब ये लिखा जा रहा था तुलसीदास वर्ण व्यवस्था में थे तो कर्मों के आधार पर चौथे स्थान पर जो हैं वो लोगों को शूद्र कहा गया। तो ढोल गंवार शूद्र पशु, वो जो मनुष्य नहीं है। नारी, जो मेडिवल पीरियड था उस समय जो नारी होती थी उनको एडुकेशन का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था उस समय। तो ये पूरे लाइन का ये अर्थ हुआ कि प्रभु जो शिक्षा आपने हमको दी है उस शिक्षा पर पशु और नारी और गवारों का भी अधिकार है।